मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक अति महत्वपूर्ण संस्कार माना है और इस संस्कार का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। किंतु वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टप्रद होता है। वैसे कई बार इसमें गलती पति की तो कई बार पत्नी की होती है, किंतु आज हम आपको विष्णु पुराण के अनुसार स्त्रियों के 5 ऐसे गुण दोष बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ऐसे आचरण वाली कन्या से भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए। किंतु यदि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि वे 5 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना अति आवश्यक है, किंतु वर्तमान में बहुत से लोग अपनी आधुनिक जीवन शैली के कारण इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं और देर तक सोते रहते हैं। किंतु फिर भी गृहिणी या वधू के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वो अपने पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के उठने से पहले उठे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई कर परिवार के सदस्यों के लिए भोजन आदि अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करें। किंतु इस सब के ठीक विपरीत जो महिलाएं देर तक सोती है और पति के जागने के बाद भी बिस्तर का त्याग नहीं करती है, ऐसी महिलाएं किसी भी मूल्य पर अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वाह नहीं कर सकती है, जिससे कि उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, अपितु कई बार तो ऐसी आलसी स्त्रियों से रुष्ट होकर माँ लक्ष्मी इन घरों का त्याग कर देती है और फिर घर परिवार में गरीबी का दौर आ जाता है। तो मित्रों, किसी भी पुरुष को चाहिए कि उसे ऐसी आलसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए जो देर तक सोती है। मित्रों, वर्तमान में कई गैर हिंदू लोग आपसी रिश्तेदारी अथवा एक ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं, किंतु हमारे हिंदू धर्म में ऐसे विवाह की सख्त मनाही है। वैसे आज भी यदि कोई हिंदू अपने पुत्र अथवा पुत्री का विवाह तय करता है तो वो पहले इस बात की पुष्टि कर लेता है कि कन्या के पिता अथवा माता का गोत्र कहीं वर के गोत्र अथवा उसकी माता के गोत्र से समानता तो नहीं रखता है, और यदि इन चारों गोत्रों में से किसी भी एक गोत्र में समानता पाई जाती है तो फिर ये रिश्ता वहीं पर अमान्य हो जाता है। वैसे इसके पीछे मान्यता ये है कि यदि एक ही गोत्र में रिश्ते हो जाए तो इससे अनुवांशिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और इससे उत्पन्न संतान का स्वास्थ्य भी रुग्ण होता है। वैसे इस बात की पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी कर चुका है। इसीलिए मित्रों, हमारे पुराणों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आधुनिक विज्ञान से कई गुना आगे हैं और हम मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, कहा जाता है माँ सरस्वती मनुष्य के कंठ में निवास करती है, इसीलिए वाणी का बहुत ही अधिक महत्व है। जो स्त्री मधुर वचन और सुमधुर वाणी वाली होती है उससे माँ सरस्वती सदैव ही प्रसन्न रहती है, किंतु जो स्त्री बुरे अथवा कटु वचन बोलती है वो न केवल माँ सरस्वती का अपमान करती है अपितु ऐसी स्त्री पारिवारिक कलेश का कारण भी बनती है, जिससे कि घर परिवार में जो अशांति का वातावरण निर्मित होता है वो परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए बहुत ही नकारात्मक होता है। इसीलिए मित्रों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्त्री से विवाह करने से सदैव ही बचना चाहिए जो कटुभाषी हो। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अपने लिए योग्य वधु की तलाश कर रहा है तो उसे विवाह के पहले एक बार वधु की कुंडली का मिलान अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। ऐसे में ये बहुत ही जरूरी है कि विवाह करने से पहले मंगल दोष निवारण हेतु उपाय करवा लेना चाहिए, अन्यथा विवाह के 1-2 वर्ष के पश्चात ही दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो ये दोष इतना अधिक प्रबल होता है कि ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। मित्रों, विवाह के पहले जिस प्रकार से किसी भी पुरुष की कई महिलाओं से मित्रता होती है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की भी कई पुरुष मित्रों से मित्रता होती है। किंतु विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस किसी स्त्री का किसी दुष्ट चरित्र वाले पुरुषों से मेलजोल हो अथवा वो मन ही मन उन्हें पसंद करती हो और उनकी संगति से आनंदित रहती हो तो पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री के चरित्र में भी दोष आ जाता है और उसका स्वभाव भी उसके दुष्ट चरित्र वाले पुरुष मित्रों जैसा हो जाता है। फिर वो अपने पति की तुलना उन दुष्ट पुरुषों
से करने लगती है। बस यही बात विवाद को जन्म देती है। तो मित्रों, ये थे वे दोष जिन्हें विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री में नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी यदि किसी स्त्री में ऐसी आदतें हैं तो समय रहते उन्हें इन आदतों को अवश्य ही सुधार लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वैसे हो सकता है कि ऐसी दशा में आपके पति में भी कई बुराइयां हों और उसकी भी कई आदतें खराब हो, किंतु फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें बुरी आदतें हैं तो आपकी इन आदतों को उचित माना जाए, क्योंकि यदि दोनों में ही समानता हो जाए तो फिर सुधार की आशा करना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।